गाइस मोबाइल फोन तो हम सब लोग चलाते हैं, अगर हमको किसी को कॉल करना है तो हमारे फोन में हम उसका नंबर टाइप करेंगे, कॉल की बटन को प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली वो जो कॉल है वो उसके पास चला जाएगा जिसको भी हमने कॉल लगाया है। लेकिन रुको रुको, कभी सोचा है मोबाइल फोन्स में हम जो बातें करते हैं वो हवा में कैसे एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाती है, यानी घुमा फिरा के बोले तो मोबाइल फोन्स जो है वो काम कैसे करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सिडटॉक। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। सो गाइस, मोबाइल फोन्स के पहले टेलीफोन्स यूज होते थे, यानी कि अगर हमको किसी एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल करना है तो उस टेलीफोन के अंदर पूरी एक लाइन बिछी रहती थी और जो टेलीफोन का वायर होता था इसके थ्रू हमारी जो आवाज है वो एक सिटी से या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती थी। अगर हमको इसको कन्वर्ट करना था वायरलेस में, तो वायरलेस में होता है हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइस हो जिसके थ्रू हमारी जो जो हम बातें कर रहे हैं ऑटोमेटिकली सिग्नल में ट्रांसफर हो और एक जगह से दूसरी जगह तक वो सिग्नल चला जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अभी भोपाल में हूं तो भोपाल में मान लो मैंने किसी नंबर पे को कॉल लगाया जो कि मुंबई में है, तो क्या मेरा फोन जो है वो इतनी तेजी से सिग्नल निकाल पाएगा कि वो मुंबई तक पहुंच जाए और जिसको मैं कॉल लगा रहा हूं उसके पास वो सिग्नल पहुंचे और उसका फोन बजे और हम लोग आपस में बातें कर ले, यानी कि मेरा फोन जो है वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल और उसका फोन जो है मुंबई में वो रिसीव करेगा, तो इतनी लंबी डिस्टेंस जो है वो मोबाइल फोन सिग्नल नहीं पहुंचा पाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने कांसेप्ट यूज किया टावर्स का। तो जो मोबाइल टावर्स होते हैं वो यही काम करते हैं कि हमारे फोन से जो सिग्नल जा रहे हैं वो उनके पास जाएंगे, फिर वो टावर बकायदा उसके सिग्नल जो है वो पहुंचाएगा जहां तक हमने उसको कॉल लगाया है। अब मान लो मेरे पास फोन है, मैंने किसी का नंबर डायल करा, तो फोन के अंदर रहता है माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन के अंदर जो जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूं ऑटोमेटिकली वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में मेरा फोन जो है मेरी वॉइस को कन्वर्ट कर रहा है। अभी जो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हुई मेरे सिग्नल्स, इसको जो मेरा एंटीना लगा हुआ है फोन में इसको वापस से कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, क्योंकि अगर ये रेडियो वेव्स नहीं बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बनती है, तो टावर तक वो सिग्नल नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरी आवाज डिजिटल फॉर्म से होती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करते हुए टावर तक चली गई। तो जिस बंदे को कॉल किया गया है तो उसका जो फोन है इस बार वो रिसीवर की तरह ट्रीट करेगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वापस से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके पर्टिकुलर स्पीकर में मेरी आवाज पहुंच जाएगी, यानी कि यहां से चीजें उठा के टावर के थ्रू डायरेक्टली जिसको कॉल लगाया वहां तक पहुंच गई। तो अब ये डायरेक्टली मुझे मेरे फोन को पूरे सिग्नल नहीं पहुंचाने पड़े, यहां पे मैंने टावर की हेल्प ली। यहां पे एक दिक्कत और है, अब मान लो वो जो टावर मैं आपको बता तो रहा हूं यहां से सिग्नल चले गए वहां से सिग्नल वापस रिसीव हो गए, लेकिन दुनिया में एक ही टावर नहीं है, हर एरिया में अलग अलग टावर है। तो भैया जिससे मैं कॉल कर रहा हूं, जिस भी टावर के पास पहली बार मेरा सिग्नल गया उसको कैसे पता कि जिसको मैंने कॉल लगाया है वो बंदा कहां है, कौन से टावर में है, और वो मेरा फोन कैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेगा उस पर्टिकुलर टावर तक। तो डायरेक्टली टावर के पास ये राइट्स नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, ये डेटाबेस नहीं है कि उसको पता हो कि जिसको मैं कॉल लगा रहा हूं वो कहां है ताकि वो कनेक्ट कर सके। तो देखो जो है एरिया हमारे, हर एरिया को हमने अलग अलग टावर के हिसाब से डिवाइड किया है, तो पर्टिकुलर एक रेडियस है हर टावर की कि एक टावर इतने एरिया के अंदर जो है वो सिग्नल देगा। तो हमारा सिटी ले लो, सिटी के पास स्टेट ले लो, पूरा इंडिया ले लो, तो कितने ही सारे टावर होंगे, कितने ही सारे सिग्नल्स होंगे। तो होता क्या है, जिस भी टावर से मुझे सिग्नल आ रहा है मैं उसको बोलता हूं बेस स्टेशन, या बोल सकते हैं BTS, यानी कि बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, जो कि मेरे सिग्नल लेगा और मुझे सिग्नल वापस देगा। अब जब ये मुझसे सिग्नल लेगा तो ये पर्टिकुलर जो बेस स्टेशन है, जो टावर है, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है MSC से, यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो जितने टावर आपके एरिया में है, आपके एरिया वाइज, सिटी वाइज, एक एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो जो टावर का काम है वो ये है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारे सिग्नल्स उठा के सीधे MSC तक पहुंचा दे। अभी जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है इसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो सिग्नल आया है इसको वहां तक पहुंचाया जाए जहां पे आपने कॉल किया है। अभी जो स्विचिंग सेंटर है ये सब सिटियों में अलग अलग रहते हैं, जिसके अंदर जितने सिटी में टावर है वो सब उससे कनेक्टेड है, तो सारे सिग्नल्स वो इनके पास लेके आएगा फिर ये ट्रांसफर कर देगा। ऐसे अलग अलग सिटी में अलग अलग ऑपरेटर्स के बहुत सारे स्विचिंग सेंटर हैं जिसके अंदर ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, आपके फोन का IMEI नंबर क्या है, कौन से टावर से आपको सिग्नल आ रहे हैं, आपका ID प्रूफ क्या आपने जमा किया है, क्या लोकेशन है, कितना बैलेंस है, प्रीपेड है, पोस्टपेड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस स्विचिंग सेंटर के पास रहती है। और जो बाकी स्विचिंग सेंटर है वो सब भी आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, तो आपका डेटा तो पूरा बना हुआ है, अब इनको स्विच करना है कि आपने जहां कॉल लगाया वो कौन से टावर तक वो बंदा है। तो ऑटोमेटिकली ऐसे स्विचिंग करते करते उस टावर तक सिग्नल जाएगा और वो टावर ऑटोमेटिकली इस फोन तक पहुंचा देगा। अब देखो जिसको भी हम कभी भी कॉल करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा अगर मैं किसी को कॉल करूंगा जो कि एक सिटी में नहीं है दूसरी सिटी में, तो 2-3 बार आपको ऐसी आवाज सुनाई मिलेगी, टुक टुक टुक,
ऐसे करके जो है वो आवाज आपको सुनाई देगी। इसमें ये होता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, तो ये जो MSC है दूसरे MSC से कॉन्टेक्ट कर रहा है, टावर ढूंढ रहा है, तो ये जो टुक 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 हो रहा है ये आपको वेटिंग के लिए बताया जाता है, बाकी अंदर का पूरा काम हो रहा है। तो आप जो सोचते हो ना कि 2 सेकंड में कॉल लग गया, इधर से उधर कॉल चला गया, तो ऐसे नहीं जाता, इतनी सारी प्रोसेस होती है। हमको क्या है, हम तो नंबर टाइप करते हैं, कॉल दबाते हैं, सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है। अब मान लो जिसको आपने कॉल लगाया वो नेटवर्क में नहीं है या फोन बंद है, तो क्या होता है, आपको पहले टुक 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 सुनाई जाती है बहुत सारी बार, तब तक वो MSC ढूंढता है कौन से टावर में बंदा है, कौन से टावर में बंदा है। अगर उसको कहीं भी नहीं मिलता है तो वो आपको बोल देता है कि भाई बंदा नेटवर्क में नहीं है, या मान लो एक इनकी टाइम लिमिट है 30 से 40 मिनट तक, अगर फोन में आप सिम निकाल के रख दो या फिर नेटवर्क पे नहीं हो तो ऑटोमेटिकली ये लोग बोल देंगे फोन स्विच ऑफ है। तो इनका कहना यह है कि मेरे नेटवर्क में नहीं है, ये मैं क्यों बताऊं लोगों को, लोगों को लगेगा मेरा नेटवर्क कवरेज कम है, तो ये नेटवर्क में नहीं है बता के ये बोल देते हैं 40 से 50 मिनट बाद अगर बंदा नेटवर्क में नहीं रहता है कि भैया फोन ही स्विच ऑफ है। अब अगर बंदा किसी और कॉल में, तो वो सिग्नल तो गया उसके मोबाइल तक, फिर उसके मोबाइल ने बोल दिया कि बॉस अभी मैं बिजी हूं, तो आपको बताया जाता है कि फोन जो है वो और किसी नंबर पे बिजी है, आप वेट करिए। तो ये सारी चीजें पहले से बनाई गई हैं, आपको बहुत आसान तरीके से सारी चीजें मिल गई हैं, बस आपको नंबर टाइप करना है, कॉल दबाना है, आपकी सारी प्रोसेस होके आपकी जो आवाज है वो यहां से हवा से निकलती हुई जिसको आपने कॉल लगाया है उसके पास चली जाएगी हवा में बहते हुए, और सारी चीजें यहां पे इंक्रिप्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीच में से सिग्नल हवा में है तो पकड़ के देख लो, सुन लो, या फिर उसको इंक्रिप्ट से डिक्रिप्ट कर लो। तो सारी चीजें इंक्रिप्शन के साथ होती हैं। तो जो सिम होता है उसके अंदर एक सीक्रेट की होती है जिसकी वजह से सारी चीजें इंक्रिप्ट होती हैं, तो इसलिए हमको सिम दी जाती है। घुमा फिरा के बोले तो ये पूरी चीजें हमने ही बनाई है, हमारा दिमाग यूज करके ही बनाई है, मतलब गॉड गिफ्टेड चीजें नहीं है, लोगों ने अपना दिमाग लगाया, हर एक कंडीशन को समझा, चीजें बनाई, इसी चीज को स्टडी करते हैं लोग, और अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, 5G आ रहा है जिसमें डेटा ट्रांसफर भी इसके थ्रू ही होता है, सारे सिग्नल्स मिलेंगे, सिग्नल से सारे इंटरनेट चलेगा, तो क्या क्या हो रहा है, मतलब इस दिमाग के अंदर कितनी सारी चीजें हैं जिसको लोग यूज कर रहे हैं, और हम हमारे दिमाग को कहां खराब करते हैं, पूरा कचरा भरने में, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, हमारे दिमाग की पावर कितनी बड़ी है आप खुद देखो, आप जिस फोन में ये चीज देख रहे हो, जिस तरह आपके ये चीजें आई हैं, ये डेटा, ये वीडियो जो आप देख रहे हो आप तक आया है, वो कहां कहां कितना घूमते हुए आया है, लेकिन आप तो बस मजे कर रहे हो फोन में वीडियो देख के। तो भाई एक चीज और कर दो, इस वीडियो को और शेयर ही कर दो बाकी दोस्तों के साथ, बाकियों के फोन पे, ताकि उनको पता चले कि जो फोन वो यूज कर रहे हैं वो भैया काम कैसे करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है मोबाइल फोन से रिलेटेड, टावर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और नॉलेजेबल और ट्रस्टेड टॉपिक के लिए सिड टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।